संदीप सिंह ने शेयर किए सुशांत सिंह राजपूत के पुराने चैट्स, तो अंकिता लोखंडे ने दिया ऐसा रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, सुशांत के निधन के बाद पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक दिखने वाले संदीप सिंह पर हर किसी ने उंगली उठाई है। संदीप के बारे में कई लोगों का ये कहना था कि आखिर उन्हें पिछले 1-1.5 साल में सुशांत के साथ क्यों नहीं देखा गया था। वहीं संदीप सिंह की कॉल डिटेल से भी ये बात सामने आई थी कि उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर को 4 से 5 बार कॉल किया था, जिसके बाद उन पर सभी का शक गहराया था। इतना ही नहीं, जब सुशांत के परिवार ने संदीप सिंह को पहचानने से ही इनकार कर दिया तो हर कोई हैरान रह गया था और हर कोई संदीप सिंह पर ही शक करने लगा था। अब सच क्या है ये तो संदीप को अच्छी तरह से पता है, लेकिन उन्होंने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सुशांत और मीतू की हुई बातचीत को लीक कर दिया है। संदीप ने सुशांत संग 4 साल पहले हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो सुशांत के बहुत करीबी थे। सुशांत संग हुई बातचीत को शेयर करते हुए संदीप ने कैप्शन में लिखा है, सॉरी भाई, मेरी चुप्पी ने मेरे 20 साल की इमेज और परिवार को तोड़कर रख दिया है। मुझे ही पता था कि आज के समय में दोस्ती को भी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। आज मैं हमारे पर्सनल चैट को पब्लिक कर रहा हूँ, हमारी दोस्ती को जाहिर करने के लिए ये आखिरी सबूत है मेरे पास। वही दूसरी पोस्ट में संदीप सिंह ने ये बात साफ की है कि 14 जून 2020 को आगे आकर उन्होंने सारी जिम्मेदारी क्यों संभाली थी। संदीप ने लिखा, 14 जून को जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मैं खुद को रोक नहीं पाया था और मैं तुम्हारे घर की ओर भागा था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि वहाँ पर मीतू दीदी के अलावा कोई भी नहीं था। मैं अब यही सोचता हूँ, क्या मैंने उस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी बहन के साथ खड़े होकर गलती कर दी, या मुझे तुम्हारे बाकी दोस्तों के आने का इंतजार करना चाहिए था। संदीप के इस पोस्ट को सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने लाइक किया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती समेत सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आज फिर से एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती की पेशी हो रही है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वाकई में सुशांत का जो केस है ये दिनों दिन उलझता जा रहा है और देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आएंगी।